हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पैकिंग यानी क्रिस्टल की पैकिंग के बारे में जितने भी थे ख़त्म हो गए। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सॉलिड स्टेट का, जिसका नाम है रेडियस रेशियो। बात समझ में आती है ना। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हालांकि आप लोगों ने इसको देख भी रखा है पहले, थोड़ा सा देखिए आर अपॉन आर, ठीक, ये मैंने पढ़ाया था कहीं पर, ठीक। तो देखिए ये क्या था, वाइड्स ऑफ स्फीयर रेडियस, ठीक है ना। जबकि ये क्या है, मेन स्फीयर रेडियस की बात करते हैं। क्या आ जाएगा, मेन स्फीयर रेडियस होगा, ठीक है ना। बस इसी को हम लोग जो बोलने वाले हैं, छोटे वाले को केटायन और बड़े वाले को एनायन, ठीक है ना। जैसे अपन क्या करते हैं जब पैकिंग वगैरह करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो देखिए ये सब जो होता है बड़े बड़े हम लोग एनायन को शो कर रहे हैं, और इसके अंदर जो छोटा वाला है वाइट, ठीक, ये जो है, ठीक है ना, क्या है आपके पास, केटायन है, ठीक। तो बस यहीं पर थोड़ा सा बात करेंगे इन दोनों का रेशियो को, अपन क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए तो नाउ स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हेडिंग देते हैं, रेडियस रेशियो, ठीक, जिसको अपन बोलेंगे आरआर, ठीक है ना। हालांकि आरआर से आप लोग समझ भी रहे हो कि हमारा ट्रिक भी होता है और मैं खुद हूँ, ठीक। चलिए तो हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन्हीं की। तो लिख सकते हैं यहाँ पर रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन टू रेडियस ऑफ एनायन इज नॉन एच थोड़ा रुक जाए दोबारा लिख देता हूं रेडियस रेशियो, ठीक। इसके कॉर्ल रेडियस रेशियो इट हैव असाइंड डिटर्मिनेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, मतलब आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, ऑफ केटायन एंड एनायन, ठीक है ना, किसका, केटायन और एनायन। अब देखते हैं हम लोग कि रेडियस रेशियो का मतलब क्या हो गया। आर आर इज इक्वल टू आर केटायन अपॉन आर एनायन, ठीक है ना, या इसी को बोल सकते हो आर सी अपॉन आर ए, ये मतलब एनायन और सी मतलब केटायन, कोई दिक्कत, समझ सकते हो ना। यानी यहाँ से हम लोग पता भी लगा सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर है आयोनिक कंपाउंड का, ठीक है ना, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, केटायन और एनायन का, बात समझ में आती है ना। चलिए तो हम लोग कुछ डेटा बनाते हैं जिसमें आप लोग को समझना भी पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, देखिए हम एक बात और करने वाले हैं, पहले डेटा बना लेते हैं, ठीक, पहले देखते हैं अपन, कोई दिक्कत तो नहीं है, छूट तो नहीं रहा ना, वेरी गुड, नहीं छूट रहा है। चलिए सभी ध्यान देना, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग लिखते रहना कमेंट बॉक्स में, ठीक। चलिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है आर आर, ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास हो गया टाइप्स ऑफ वॉइड्स, ठीक है, क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ वॉइड्स, फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर इसके बाद हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर, कैसा है कि हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। यहाँ पर देखिए
कुछ वैल्यू है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का रेशियो जब लेते हो, मतलब आपके पास एक गिवन रहेगा एग्जांपल में और ये भी दिया रहेगा, तो इसका जो रेशियो आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ठीक है ना, वो रेशियो से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा वॉइड है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और जो आयनिक बना हुआ है वो किससे बना हुआ है। बात समझ आ रही ना, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर, हालांकि बहुत सारे हैं स्ट्रक्चर, लगभग बहुत जिसको आप लोग बात नहीं कर सकते हो ठीक है ना, उतना याद करना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन इसमें से मैं सिर्फ पांच आपको बताऊंगा, वही आपको याद रखना है फॉर कंपटीशन जेई और नीट के लिए, तो उस पांच को याद रखना है ठीक है ना, क्योंकि 90% स्ट्रक्चर बिलोंग करेंगे इन पांचों के लिए ठीक है ना। बस समझ में आ रही है ना, और जब आपको रेडियस पता हो गया ठीक है ना, तो आप बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब ये जब रेडियस पता हो गया, रेडियस रेशियो, तब आप लोग क्या बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप लोग के मन में आ रहा होगा ये कौन सी बात हो गई ठीक है ना, तो यही बात है ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आप लोग को भी, चलिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप सभी लोग देखते रहना ठीक है ना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से लिखता हूँ ठीक। चलिए अगर मान लीजिए आपके पास जो रेडियस रेशियो है वो कम हो जाएगा किसका, 0.155, ध्यान दीजिएगा कितना है 0.115 ठीक है ना। ये जो होता है आपके पास ट्राइंगुलर वॉइड्स के लिए, हम लोग जो ट्राइंगुलर वॉइड्स होता है उसके लिए हम लोग कितना लेते हैं 0.155 से कम लेते हैं फोर ट्राइंगुलर, क्या चीज, ट्राइंगुलर वॉइड्स के लिए ठीक है ना। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए आप लोग थोड़ा सा वॉइड्स ठीक, बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो देखिए जो ये होगा आपके पास ये लीनियर होगा, लीनियर होगा, कैसा हो जाएगा, लीनियर वॉइड्स होगा ठीक है ना, लेकिन इसका कोई कोऑर्डिनेशन नंबर और इसका स्ट्रक्चर नहीं होगा। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो बताते रहना। अब देखो यहाँ पर इनकी वॉइड्स, मतलब ये जो कंपाउंड होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, लीनियर है तो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अरे मतलब उसके अंदर जो पैकिंग है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है ठीक है ना, तो कैसा हो जाएगा आपके पास, अनस्टेबल। अगर आपको लगे तो लिख भी सकते हो अनस्टेबल ठीक है ना डेटा। चलिए इसके बाद हम लोग एक और बात कर सकते हैं कि 0.155 के बराबर और जो हो जाएगा 0.255 ठीक है ना, कैसा हो जाएगा 0.225 ठीक। तो देखिए इसके अंदर जो वॉइड बनेंगे वो कैसा वॉइड बनेगा, तो ट्राइंगुलर वॉइड, कैसा बनेगा आपके पास ट्राइंगुलर वॉइड्स, जो ट्राइंगुलर होता है ठीक है ना, ये कैसा होता है प्लेनर होता है, ध्यान रखिए कैसा होता है हमारे पास प्लेनर होता है ठीक, और ट्राइंगुलर है तो बताइए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाहिए, ट्राइंगुलर कहने का मतलब देखो ना कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके पास मान लीजिए ठीक है, तो ये देखो ना ट्राइंगुलर हो जाएगा वॉइड्स ठीक है ना, तो कितने इसको इस एटम को कितनों ने घेर रखा है 3 ठीक, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अभी भी कोई शो नहीं करेगा ठीक। और एक बात बताइए अगर ये प्लेनर है ठीक है ना, तो हम तो सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, तो बताइए कोई भी सॉलिड प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर होता है, आपने देखा होगा ना, आपको बता रहा हूँ ठीक है, कैसा होता है प्लेनर या नॉन प्लेनर, तो ये कैसा होता है हमारे पास प्लेनर होता है, कैसा मतलब ये प्लेनर दिया हुआ, लेकिन सॉलिड कभी भी प्लेनर नहीं होता है, मतलब वो नॉन प्लेनर होता है ठीक है, वेरी गुड। चलिए हम अगला पॉइंट बात करते हैं 0.225 जो रेडियस रेशियो है लेस देन 0.414 ठीक है ना, तो ये जो हो जाएगा आपके पास टेट्राहेड्रल, मतलब इसकी जो टेट्राहेड्रल, तो कैसा हो जाएगा सिंपल सा दिखने में लग रहा है हमारे पास 4 हो जाएगा ठीक। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है ZnS ठीक है ना, Na2O ठीक, फिर आप लोग बात कर सकते हो एक होता है मतलब देखो
जिंक, जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है, दो होता है कि नहीं होता है, फसल में आ रही है ना, और सोडियम के ऊपर इतना, ये चार्ज भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये दो चार्ज के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर जगह आएगा क्या, तो मैं लिख देता हूँ क्या, यहीं पर लिखता हूँ Ca, इस पे भी प्लस टू ही होता है, CaF2 हो जाएगा, बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। ये हो गया हमारे पास, अब आते हैं हम लोग कि ये जो हो जाएगा हमारे पास 4.414 इक्वल RR, ठीक, तो 732 होता है या 34 के करीब होता है, ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, ठीक। ये हो गया हमारे पास, और एक ऐसा हो गया हमारे पास टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक, और ये जो बनेगा ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल हम लोग बात किए थे वहाँ पर आठ, लेकिन उसकी वाइड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होती है, वाइड कौन सा हो गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 6 होती है, मैंने वहाँ पर बार बार बताया था आपको, और इसका जो होता है NaCl, और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद इस पर स्टार लगा लीजिएगा, पूछा भी हुआ है, ठीक है, आया, ठीक। चलिए फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर 0.732 से, और ये क्या हो जाएगा लेस देन वन, वन से छोटा ही होगा, ठीक, और ये कैसा हो जाता है क्यूबिकल, कैसा हो जाएगा हमारे पास क्यूबिकल, ठीक है ना, और क्यूबिकल तो आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 होता है, तो अरे क्यूबिकल मतलब जिस रूम में आप लोग बैठे हुए, और तो कितना आ जाएगा आपके पास 8, और इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल जो कि बार बार यूज होने वाला है, या आप लोग आयनिक कंपाउंड में देखे भी होंगे CaCl, कैसा आ जाएगा CaCl, ठीक है ना, बात समझ में आती है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 सिर्फ पांच स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है ना, तो इतना आप लोग कर नहीं सकते हो क्या, ठीक, नो नोट करेंगे अभी, कोई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी नोट, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं इधर वाले पॉइंट, अगर लगे ना तो इसको भी आप लोग लिख लिया करना, इतना देर समय दिया था, ये देख लो, ये डेटा आप लोग माइंड में सेटअप कर लो, मैं देख लेता हूँ बराबर कैमरा में आ रहा है, तो यस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कट रहा है लेकिन ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं कट रही है, ठीक। चलिए तब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग बहुत चीज़ें बातों को समझेंगे, ठीक। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्वेश्चन है आपके पास रेडियस ऑफ आयंस ए प्लस एंड बी माइनस ईच 88 एंड 200 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली, डिटरमिनेशन या डिटरमाइन बोल लिख दो, ठीक है ना, या फाइंड भी लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ए प्लस एंड बी माइनस एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए प्लस आयंस, क्या है ए प्लस आयंस, ठीक। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ए प्लस आयंस का मतलब नहीं समझ रहे हो, अरे भाई ये वाइड है, बस समझ रही ना, बीच में जो रखा गया हुआ है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा पढ़िए, हालांकि इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग अगर समझ रहे हो तो सबसे बड़ी चीज़ आपके पास द रेडियस ऑफ ए प्लस और बी माइनस, मतलब केटायन ऊपर अनायन नीचे, तो आप लोग अभी अभी पढ़े हो रेडियस, रेशियो का मतलब क्या हो गया आर प्लस अपॉन आर माइनस, ठीक है ना, इसी को बोल रहा था मैं आर सी अपॉन आर ए। अब बताओ यहाँ पर
आर प्लस की वैल्यू कितना दे रखा है 88 अपॉन 200 पिकोमीटर, ठीक है ना। कितना दे रखा है आपके पास 200 पिकोमीटर। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पर इतना दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू कितना, मैंने 88 दिया ना, तो 88 ही है, क्या जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास अगर इनकी वैल्यू थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है तो। थोड़ा सा काटिएगा इसको, यस है नो। तो देखिए ना, देखो काटने का तरीका, अगर आपको लग रहा है बॉपर 200 है तो क्या मैं 200 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 100। तो देखो तो कितना से कट जाएगा 44, आरआर वाला पॉइंट यूज कर देना है। अबे तुम मत कहना कि ये कैसे आ रहा है, ठीक अबे आ रहा है। तो देखो 4/100, अब अगर इसको ले जाओगे तो 0.44 आ गया, यस यारो बताइए, ठीक। अब बताइए ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो देखिए तो 0.44 बताइए, आप ही बताइए, हम तो बताने वाले हैं ऐसे नहीं है, तो बताइए ये कहाँ से बिलोंग करेगा 44। देखिए ये देखिए 441 है, ठीक ये 41 है, ठीक तो इनके बीच में ही जाएगा, देखो किसके बीच में जा रहा है, इनके बीच में जा रहा है। तो बताइए ये वाइड्स कौन सा होगा, वाइड्स की बात बता रहा हूँ, वाइड्स, ठीक है ना। तो कैसा हो जाएगा हमारे पास ये ऑक्टा, ये हमारे पास शो करेगा ऑक्टा हेड्रल। अगर मैं पूछूँ कोऑर्डिनेशन नंबर इसे कितना होता है, तब बताओ ये कैसा हो जाएगा 6, जबकि अगर मैं यहाँ से पूछूँ एंड स्ट्रक्चर कौन सा है तो NaCl है। समझ में आ रही ना, किसी को कोई डाउट, ठीक। अच्छा हम यहाँ पर ये तो हमारे पास हो गया इसका आंसर, सब चीज़ देखो निकल गया, ये स्ट्रक्चर निकल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गया, ठीक है ना, वाइड निकल गया, वैल्यू अगर आपके पास पता हो गया तो, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन, मतलब कब कोई आयोनिक कंपाउंड स्टेबल होगा और कब नहीं होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, एक नोट लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना, कि कब कोई, सिंपल सा आप लोग लिख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि कब कोई आयोनिक कंपाउंड स्टेबल होगा, कब होगा बता सकते हो, कोई इतने सारे चीज पढ़े हो कोई बता सकते हो क्या, वेन, बात समझिएगा, सिर्फ जब किसका कॉन्टेक्ट होगा, सिंपल सी बात है कि जब CA कॉन्टेक्ट होगा तब, बस समझ में आती है ना, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जब, मतलब कब कोई आयोनिक कंपाउंड स्टेबल होगा, तो सिंपल सी बात बताना है कि CA का मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। CA का सिंपल सा मतलब हो गया कि केटायन और एनायन, और केटायन और एनायन होगा तो इसका अट्रैक्शन होता है, कैसा होता है अट्रैक्शन, और जब भी कोई अट्रैक्शन होगा तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, स्टेबल होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आप लोग, ठीक है ना, इसके बाद आप लोग कुछ बता सकते हो, ठीक। तो ये तो हमें पता है कि CA का केस होगा तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल होगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि हो सकता है कि कॉन्टेक्ट कैसा कैसा हो, हमारे पास कॉन्टेक्ट तो बहुत तरह का हो सकता है ना, जैसे कॉन्टेक्ट हमारे पास ए और CC का भी कॉन्टेक्ट हो सकता है, कैसा हो सकता है, AA और CC का कॉन्टेक्ट हुआ, तो बस ये मैं अपने तरफ से समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। लेकिन इसके बाद इसी मेथड से हमारे पास 7 तरह के केस आएंगे, ठीक है ना, जो कि आपको काफ़ी कन्फ्यूजन करेगा, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हालांकि आपके NCERT के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो यहाँ से बन जाएंगे, ठीक। लेकिन JEE का जो कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट यहाँ से नहीं बनेंगे, हम कुछ केस पढ़ेंगे इसके बाद तभी जाकर हम लोग बना पाएंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग बता रहे हैं कि जब ये दोनों कॉन्टेक्ट रहेगा
तो क्या आपका आयोनिक कंपाउंड स्टेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो सीसी रहेगा तब तो स्टेबल नहीं होगा, लेकिन अगर ए ए कॉन्टेक्ट रहा तब ये स्टेबल हो सकता है, बट आइडियल केस में। मतलब ये क्या हो जाएगा कि ए ये स्टेबल होगा, कैसा होगा, स्टेबल होगा बट आइडियल केस में। कैसा, आइडियल केस में, मतलब ये ए का जो कॉन्टेक्ट होगा वो स्टेबल होगा, कब, जब इसका किस केस में होगा, आइडियल केस के अंदर ये स्टेबल होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात समझेंगे आइडियल का क्या मतलब हो गया। तो देखो R प्लस और R माइनस की वैल्यू 0.155 के बराबर हो गया तब ये केस कैसा हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा, ठीक। तो देखो अगर एक केस ऐसा है तो देखो यहाँ पर दो तरह का अट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर दो तरह का बंदा काम करेगा, एक तो सी ए काम करेगा, फिर ए ए काम करेगा, ठीक, और ए ए भी शो कर रहा है और ए भी शो कर रहा है, ठीक। देखो सी ए कैसा हो जाएगा, तो देखो हमने तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं, तो देखो एक मिनट मैं देख रहा हूँ कि बराबर आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है लेकिन थोड़ा सा आप लोग को कष्ट झेलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ पर देखो ए ए और आपके पास कुछ हिस्सा ऐसा कुछ बढ़िया बन नहीं पा रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया और एक यहाँ पर है, ठीक। तो देखो ये जो वर्ड आपके पास दिख रहा है ये केटाइन है, इसके अंदर कैसा है, केटाइन है। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये ए नाइन, ये ए नाइन और ए नाइन, तो देखो ए नाइन केटाइन, ए नाइन केटाइन का सबका अट्रैक्शन है, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर केटाइन केटाइन है, ठीक। तो हम लोग बस केटाइन केटाइन बोल रहा हूँ, सॉरी ए नाइन ए नाइन है, तो ए नाइन ए नाइन के केस में हो सकता है, लेकिन कब होगा, तो बात समझिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कब स्टेबल होगा, जब यहाँ पर आर ए, देखो हमारे पास आर प्लस और आर माइनस की वैल्यू 0.15 से बढ़ जाए तब, ठीक है ना, बढ़ जाए तो किसको बढ़ना होगा इसमें से, आर प्लस को, यानी आर प्लस को कि आर माइनस को, अरे भाई ये दोनों बराबर है तो इस पॉइंट को बढ़ने के लिए केटाइन को बढ़ना पड़ेगा कि एनाइन को बढ़ना पड़ेगा, केटाइन को बढ़ना पड़ेगा कि एनाइन को। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे, देखो तो आर प्लस को हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, और जब बढ़ाएंगे देन आर माइनस कैसा हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक। और जब ये डिक्रीज करेगा, ध्यान दीजिएगा, जब आर प्लस केटाइन इंक्रीज करेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, ये आर केटाइन और आर माइनस, तो ये बढ़ेगा तो ये तो बढ़ेगा ना वैल्यू, बात समझ में आ रही है, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक। और जब बड़ा होगा तो देखो ये मतलब क्या हो रहा है, केटाइन बड़ा हो रहा है, अरे कैसा हो रहा है, केटाइन बड़ा हो रहा है ना, और केटाइन बड़ा होने का मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये अट्रैक्शन है वो ऐसा है, तो ये ए और ए तीनों के बीच का डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, अरे बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब सिर्फ और सिर्फ कैसा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब अटैच रहेगा, तो सी ए, और एक ऐसा हो जाएगा आपके पास स्टेबल, ठीक है ना, सी ए, तो एक ऐसा हो जाएगा आपके पास स्टेबल। ये थोड़ी सी बात याद रखिएगा और यहीं से हम लोग बहुत सारे केस पढ़ेंगे, ठीक है ना, 7 टाइप के, ठीक। ये तो हो ही गया, लेकिन एक कभी कभी हमारे पास एक बात आती है कि यहां पर अगर एक से ज्यादा हुआ, मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि क्या होगा अगर रेशियो एक से ज्यादा हो जाए तब, तब मतलब यहां पर क्या है, एक से कम है, अगर एक से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, कंपाउंड स्टेबल या अनस्टेबल, तब बात समझिएगा। यहां से आप लोगों से पूछा, आप ही लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग भी सुनते रहिएगा, ठीक है ना, कि तब हम लोग उल्टा कर देंगे, मतलब तब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको अपोजिट कर देंगे, मतलब एनायन को ऊपर ले जाएंगे और केटाइन को नीचे ले जाएंगे, मतलब
ए नाइन हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे और केटाइन को यहाँ पर कर देंगे। तो देखो फिर से क्या हो जाएगा, वैल्यू वही आने लगेगा, नहीं समझे? अरे मेरा क्वेश्चन है कि अगर इनका रेशियो एक से ज़्यादा, यहाँ पर एक से कम है ना, अगर एक से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? तो हम लोग सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करेंगे, इस वैल्यू को उल्टा, केटाइन और एनायन को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब नहीं समझे कि केटाइन को नीचे ले जाएंगे और एनायन को ऊपर के तरफ ले जाएंगे। तो एक से छोटा हो जाएगा अपने आप, कैसा हो जाएगा? एक से छोटा हो जाएगा और केटाइन बड़ा हो जाएगा। बट हमें मेन साइड में क्या करना पड़ेगा? बड़े को ही रखना पड़ेगा, तभी तो केटाइन के नीचे, मतलब समझिएगा, मतलब क्या हो जाएगा, केटाइन नीचे आ जाएगा और एनायन ऊपर, मतलब मेन साइड में कौन है? केटाइन आएगा और वाइड में कौन चला जाएगा? फिर एनायन चला जाएगा, ठीक है ना? तब सिचुएशन कैसा हो जाएगा? तब इनका सिचुएशन बदल जाएगा। बात वही है, बस आपको क्या कर देना है? अपोजिट कर देना है, ठीक है ना? फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने अपने तरफ से बोल दिया, ठीक है? तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इनके कुछ केस देखेंगे, ठीक है ना? चलिए नाउ फास्ट। ठीक है, मिटा देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग बढ़िया से लिखते हैं। थोड़ा सा ध्यान देखना है, मतलब ध्यान देना है, बाकी सब आसान है। देखिए ज्यादा छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को, चलिए थोड़ा मैं जूम कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को काफी क्लियरिटी है। ठीक, देखिए यहां पर इस पॉइंट को देखिएगा, मैंने जो बताया है कि कब कोई आयोनिक कंपाउंड स्टेबल होगा, जब जब ये सी ए केटाइन और एनायन का कांटेक्ट होगा तब। ठीक, सी ए मतलब जैसे देखो केटाइन और एनायन रहेगा तो आपके पास अट्रैक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर अगर आपके पास मान लीजिए एनायन एनायन और केटाइन केटाइन है तो क्या स्टेबल होगा? तो हाँ, ए ए का जो कांटेक्ट होगा वो स्टेबल होगा, बट आइडियल केस में। आइडियल केस में इसलिए क्योंकि दुनिया में आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होता है। बात समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। तो देखिए अगर मान लीजिए R केटाइन अपॉन R एनायन, ठीक है ना, R केटाइन और R एनायन की वैल्यू अगर 0.155 आता है, ठीक है ना, तो देखिए ये कैसा कॉन्टेक्ट होगा, इस तरह से होगा। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इनकी बात, ठीक है ना, तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं सी ए कॉन्टेक्ट और ए कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, बराबर है, आइडियल है तब। अगर लेस देन होता तो सिर्फ और सिर्फ तीनों, मतलब ए ए कॉन्टेक्ट होता। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग केटाइन को बढ़ा देते हैं और एनायन को घटा देते हैं, रेडियस ऑफ केटाइन बढ़ाते हैं और एनायन घटाते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी। कहने का मतलब जब अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है, अगर इनकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो जाती है 0.155 से, तो ये कैसा हो सकता है? सी मतलब ए कॉन्टेक्ट हो सकता है, कैसा? ए कॉन्टेक्ट हो सकता है। ठीक, अब समझिए, तो इसको बड़ा होने के लिए केटाइन को बढ़ना पड़ेगा, रेडियस ऑफ केटाइन को बढ़ना पड़ेगा और इसको कमना पड़ेगा। ठीक, जैसे अगर रेडियस ऑफ केटाइन बढ़ता है तो देखो यहाँ पर केटाइन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ेगा तो ये जो एनायन है छोटा छोटा हो जाएगा, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ कौन सा बचेगा? सी ए कॉन्टैक्ट, केटाइन एनायन कॉन्टैक्ट बचेगा। और केटाइन एनायन कॉन्टैक्ट कैसा होता है? एक स्टेबल कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है ना? वेरी गुड। चलिए चलिए ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा है ऊपर, इसलिए ऐसे करता हूँ, अब अपर में नहीं लिखते। ठीक, तो हमारे पास हो गया मेन पॉइंट्स, बस थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। देखिए इसी के बेसिस पे हम लोग सेवन केस पढ़ने वाले हैं, सिक्स या सेवन होंगे, अच्छा जितने भी होंगे अपने आप आते रहेंगे। तो चलिए पहला केस हम लोग देखते हैं जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्या अगर मान लीजिए R के टाइन और R एनायन लेस देन 0.155 है तब। देखिए अभी अभी आपने पढ़ा था आइडियल केस में क्या हो रहा था कि इक्वल होता है तो दोनों कॉन्टेक्ट होता है, ए ए और सी, मतलब ए ए और
सी ए कॉन्टेक्ट दोनों होता है। अगर लेस देन हो जाएगा तो केटायन का साइज क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि फिर सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉन्टेक्ट रहेगा, एनायन एनायन कॉन्टेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि तब इसके अंदर कैसा जाएगा, केटायन एनायन का कोई कॉन्टेक्ट होगा क्या, नहीं होगा, ठीक। चलिए जैसे कि देखो ना यहाँ पर सभी ध्यान देना, जैसे यहाँ पर देखो ये और ए और ए, ठीक, तो एकदम छोटा सा हो जाएगा जिसका कोई कॉन्टेक्ट इसका मतलब नहीं रहेगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि नो कॉन्टेक्ट यानी नो केटायन एंड एनायन कॉन्टेक्ट कॉन्टैक्ट देयर ओनली ओनली ए ए कॉन्टेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। शो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये बहुत केटायन बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा केटायन बहुत छोटा हो जाएगा तो सिर्फ ए और ए ये अनायन एनायन आपस में कॉन्टेक्ट पे रहेंगे, ठीक है ना। तो शो दिस केस इज हाईली अनस्टेबल, कैसा हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाए, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। मतलब अगर 0.5 से यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा था वो आइडियल केस लिया था, ठीक है ना, लेकिन अगर कैसा हो जाए आपके पास, अगर लेस देन 0.11155 हो जाए, ये आप ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस सब है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है ना, कि केटायन का साइज इतना कम हो जाता है कि एनायन एनायन और एनायन एनायन के बीच में जब वो टच करेगा तो कैसा हो जाएगा, वो हाईली अनस्टेबल केस होता है, ठीक है ना। चलिए तो हमारा पहला केस हुआ, चलिए सेम हम लोग आते हैं सेकेंड केस पे, ठीक है। तो सेकेंड केस हो जाएगा हमारे पास आर प्लस और R माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, 0.155, ठीक। तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, आइडियल रेशियो फॉर ट्राइंगुलर, ठीक है ना, कैसा हो जाएगा, ट्राइंगुलर। देखिए यहाँ पर आप लोग सिंपल सी एक बात को याद रख सकते हो कि देखो यहाँ पर दोनों कॉन्टेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो गया ए ए और एक ऐसा हो गया ए, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा केटायन ज़्यादा बड़ा मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर प्लस और आर माइनस किसके बराबर हो जाएगा, 0.155, ठीक है ना। तो देखो और एक बात ध्यान रखना कि अब देखो यहाँ पर इसका रेडियस और इसका रेडियस, ठीक है ना, ठीक है ना, इसका रेडियस अगर मैं इसका ए निकालना चाहूँ तो इसका कैसा हो जाएगा आप लोग, ए होता है, ठीक। तो आर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2r माइनस, ठीक है ना, कैसा हो जाएगा, तो यानी कैसा हो जाएगा 2r माइनस। ध्यान रखिएगा ये भी कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं स्टील होगा, मतलब सिंपल से बात दिए, इसके अंदर अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर बताया था कि इसके अंदर कैसा कॉन्टेक्ट होगा, ए ए कॉन्टेक्ट भी होगा और सी सी मतलब ए ए कॉन्टेक्ट और सी ए कॉन्टेक्ट भी होगा, ठीक। अगर आपको लगे तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, ये सी ए और ए ए कॉन्टेक्ट दोनों होगा, ठीक है ना, लेकिन दोनों का केस मैंने यहाँ पर बता दिया था, इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा, ठीक, वेरी गुड। चलिए यानी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि दिस सिस्टम इज स्टिल अनस्टेबल, मतलब थोड़ा सा अनस्टेबल होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल अनस्टेबल नहीं होगा जितना कि सिर्फ इसकी बात कर रहे थे, वन की बात कर रहे थे, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड केस पे, ये थोड़ा ध्यान देने वाला भी है, ठीक है ना। थर्ड केस पे मतलब 0.155 आर प्लस और आर माइनस, तो कैसा हो जाएगा, 0.225, कैसा हो जाएगा, 0.225, ठीक। तो देखो
इसके अंदर अब आप देखो ये 0.15 से बड़ा है और इससे छोटा है, ठीक है ना, लेकिन बड़ा किससे है 0.115 से, ठीक है ना। तो इसका मतलब जैसे ही इस पॉइंट से बड़ा होगा तो माइनस मतलब ए ए क्वांटिटी मतलब अनायन अनायन का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यस या नो। अगर ए ए का यहाँ पर देखो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ए का क्वांटिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात समझिए, जब ए ए खत्म हो जाएगा तो कौन सा बचेगा आपके पास, सी ए कॉन्टेक्ट आपके पास रहेगा। तो इस पॉइंट को मैं लिख भी सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लिख दो, यहाँ पर ओनली ए ए बिल यानी अनायन अनायन कॉन्टेक्ट विल बी लॉस्ट एंड Only CA contact मतलब केटायन और एनायन contact will be there, ठीक। अगर CA contact हुआ तो will be there, so system stable क्या unstable, system becomes स्टेबल। बात समझ में आ रही है, थोड़े सा भी पॉइंट समझिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो तो यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इनका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोग को देखना पड़ेगा नहीं तो फिर काफ़ी दिक्कत होगी। जैसे देखो यहाँ पर अब की बार केटायन का साइज बढ़ेगा, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा अनायन, ये भी कैसा हो जाएगा अनायन, और ये भी कैसा हो जाएगा आपके पास अनायन, थोड़ा सा ठीक, एनायन अनायन अनायन और केटायन, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, ये है क्या, नहीं है ना, सभी को वेरी गुड है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हो, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। देखो जैसे इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर ये हो जाएगा, ठीक, बस समझ में आ रही ना, फिर इसका सेंटर ऐसा हो जाएगा, यस या नो, ठीक। तो देखो हालांकि इसको आप पूरा ही मिला दीजिए ना, ठीक, तो मैं इसको क्या करता हूँ हल्का सा कट करके बाहर निकाल लेता हूँ, किसको, इसको, इसका नाम दे दीजिएगा ए बी सी और एक कैसा हो गया डी, ठीक। तो चलिए मैं इसको बाहर कर देता हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, ठीक। तो देखो ए बी सी मैंने इसको बोल दिया डी, ठीक, समझ में आ रही है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसका जो एंगल होगा कितना हो जाएगा आपके पास, इसकी बात कर रहा हूँ जो, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री, ठीक। तो एक बात समझिएगा, यहाँ पर कितना हो गया आपके पास 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर निकाल सकते इसको, मतलब cos 30 लिख सकते, बी डी की वैल्यू कितना हो जाएगी, बी डी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बी डी की वैल्यू कितना हो सकता है आपके पास। और ध्यान रखिएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग क्या मानते हैं, यहां से यहां मान ले क्या ए, कोई दिक्कत किसी को, आप लोग को, ठीक है। अगर इसको हम लोग ये मान लेते हैं तो बताइए मुझे यहां पर कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री, ठीक। तो बताओ मुझे यहां पर कितना हो जाएगा, बी डी अपॉन सी, बी डी अपॉन ए, कोई दिक्कत, बी डी लिख सकते हो कि नहीं। अब बताइए हमें यहाँ पर ये जो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बी डी की वैल्यू, ठीक, बी डी की वैल्यू हमारे पास कितना पता है, देखो कॉस 30 बराबर क्या होता है √3 यानी √3/2, आप समझिए यहाँ पर इनटू क्या हो जाएगा ये, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी डी की वैल्यू निकल जाएगी, यस या नो। एक बात बताइए, हम अगर बात करते हैं यहीं पर सेंट्राइड मान लेते हैं इसका, इसका सेंट्राइड जिसका नाम हम लोग रख देते हैं ये, ये कैसा हो गया हमारे पास, सेंट्राइड, क्या है हमारे पास, ये सेंट्राइड है, ठीक है ना, जिसका रेशियो कितना होता है, अरे इसका रेशियो कितना होता है, इनका
जो प्रॉपर्टीज रेशियो होता है इनका इनका जो प्रॉपर्टीज रेशियो होता है टू रेशियो वन होता है, कितना होता है हमारे पास 2:1 डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है ना। कैसा होता है हमारे पास, डिस्ट्राइट होता है, डिस्ट्राइट ठीक है ना, बस समझ में आ रही है ना, करता है ठीक। यानी हम इस पॉइंट को ले लेते हैं सेंट्राइट, तो ठीक। अब हमें बताइए अगर इतना आ गया तो अब अगर मैं आपसे पूछूं सो बी ई किसकी वैल्यू हमारे पास, बी ई की वैल्यू ठीक है ना, यहाँ पर बी ई की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, इसकी वैल्यू बी ई की वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल, एनी वन यस या नो। अरे भाई बी ई की वैल्यू बताइए ना, बी ई की वैल्यू 2/3 नहीं हो जाएगा, बस मुझे इतनी की वैल्यू बता रहा हूँ ना, 2/3 और इंटू बी डी बी डी। अब आपको ऐसे बी डी की वैल्यू पता है तो निकाल सकते हो, बी ई बराबर हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर √3/2 तो 2 से 2 कट जाएगा ठीक है ना। तो यहाँ कितना बचा आपके पास बताइए, यहाँ पर रूट कितना बच गया आपके पास, यहाँ पर देखिए ना आपके पास 3, तो आपके पास कितना बताया गया था, √2 या 3 जल्दी बताइए, यहाँ पर 3 है ना आपके पास √3, तो यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हो इन, ये 3 ही होगा आपका क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको √3/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसका यूज करना पड़ेगा, तो इसे अच्छा मैं इसको यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो बी ई बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, 2 तो कट गया, √3/ आपके पास कितना हो जाएगा, √3/√3 हो जाएगा, तो इसे कट जाएगा, तो इसके पास कितना बचा, यहाँ पर देखिए बी डी, अच्छा बी डी की वैल्यू √3/ यहाँ पर ए लगा दो ठीक, तो कितना हो जाएगा 1/√3 ए, बी की वैल्यू हमारे पास बच गया ठीक है ना, हमें ए निकालना है। तो बताओ बी को क्या लिख सकते हो, इस बी को देखो, अब ये बी कौन सा है, तो देखो यहाँ से सभी ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस देख रहे हो, तो देखो ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, समझिए मतलब अनायन का रेडियस क्या है, ज़्यादा है, केटायन का रेडियस क्या है, छोटा है, यहाँ से समझ में आ रही है ना, यानी केटायन का रेडियस छोटा है और अनायन का रेडियस बड़ा है, तो दोनों को सम कर सकते हैं। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू बी की वैल्यू, यानी ये हमारे पास कैसा है, इस बी की वैल्यू यहाँ से पता चलेगा ठीक है ना, तो बी की वैल्यू आर प्लस और आर माइनस रख सकते हैं, इजिकल टू कितना हो सकता है, बी की वैल्यू पुट अप की है तो रूट नहीं ए अपॉन √3, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग कि ए इजिकल टू इसके साथ √3 आर प्लस और आर माइनस, क्या हो जाएगा आर प्लस और आर माइनस, बस आप लोग एज लेंथ आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी बुक में ऐसा डेरिवेशन नहीं दिया होगा और ना ही कोई टीचर ऐसा जल्दी बता पाता है ठीक है ना, वो बस डायरेक्ट क्या करता है इसका फॉर्मूला लिख के अपना कहानी खत्म कर लेता। आप सबको समझ में आ रही है, वेरी गुड ठीक है ना, तो इसे निकाल सकते हो। और एक ऐसा आ गया, ये आपसे कभी कभी ये पूछ सकता है ठीक है ना, तो आप आराम से बना लेना ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए अच्छे से समझना ठीक, चलिए हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे ठीक, हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर पे। कैसा आ गया, ये थर्ड था हमारे पास, थोड़ा थर्ड लंबा हो गया, आप लोग एकदम समझ समझ के लिखिएगा, अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए तो फिर से पूछने का प्रयास कीजिएगा, हालांकि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, कोई किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही ना। चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं अब यहाँ पर फोर्थ नंबर पे कि आर प्लस अपॉन आर माइनस इक्वल टू 0.225 हो जा रहा है, देखो यहाँ पर ये इसके बराबर आ जा रहा है ठीक। तो देखो अब कभी भी अगर ऐसा आता है ना बराबर, तो ये ध्यान रखना कि ये आपका कैसा हो गया, आइडियल केस हो गया, आइडियल फोर टेट्रा
हेड्रल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर दोनों तरह का कौन है, देखो टेट्राहेड्रल का मतलब वही मैंने बता दिया, FCC, ठीक है ना, कैसा जाएगा FCC, ठीक है ना। फेस डायगोनल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अगर किसी को मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। अब देखो इसके अंदर जो कॉन्टेक्ट होता है, देखो ये तो इसके बराबर हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, मतलब इनसे तो ज़्यादा ही है ना, तो इसका मतलब पहले क्या था इसके अंदर, ओनली कौन सा कॉन्टेक्ट था हमारे पास, CAA कॉन्टेक्ट, मतलब CA कॉन्टेक्ट है, मतलब कैटायन और एनायन कॉन्टेक्ट था, ठीक। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टेट्राहेड्रल की, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी बन सकती है AA एंड CA कॉन्टेक्ट की, बात समझ में आ रही ना, ये दोनों कॉन्टैक्ट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्यों, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखो पहले मैं लिख दूँ क्या पॉइंट को, तो देखो ये किसको अलाउ कर रहा है, तो अलोंग फेस डायगोनल, क्या होता है फेस डायगोनल, मैं लिख दूँ या छोड़ दूँ, फेस डायगोनल रूट 2A होता है, ठीक है ना, 1 A9 प्रेजेंट फेस सेंटर एंड 2 anion प्रेजेंट एट कॉर्नर विल टच ईच अदर, ठीक है ना, कैसा आ जाएगा, टच ईच अदर, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है, अगर फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हैं तो एक आपके पास उस कॉर्नर पे होगा और एक उस, या इसी को मान लीजिए ना, इसको इस फेस को मान लीजिए, तो इसको उस कॉर्नर पे होगा और एक इस कॉर्नर पे होगा, ठीक है, अब समझिए, और एक बीच में इस दीवार पे होगा, बात समझ आ रही ना, एक इस दीवार पे होगा, ठीक। तो देखिए टोटल कितने हो जाएंगे, 4 R होंगे या नहीं होंगे, बात समझ में आती है ना। तो देखो रूट थ्रू, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि रूट 2A इज इक्वल टू 4R माइनस, यस या नो, ठीक है। तो यहाँ से A की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, R माइनस है ना, यस या नो, तो हम लोग ले सकते हैं कि 4R माइनस अपॉन रूट 2, ठीक। तो इसको तोड़ने का तरीका, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, A बराबर 2 into root 2, ठीक है, अपॉन रूट 2, तो 2 कट जाएगा, आपके पास कितना बचा, 2 root 2 R माइनस, ठीक है ना, बस समझ में आई, यस या नो, तो निकाल सकते हो, वेरी गुड, ठीक। चलिए अब इसी के साथ हम लोग 5 नंबर केस भी क्लियर ही कर लेते हैं, वो भी तो 5 नंबर केस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, क्यों, क्योंकि वहाँ से ZnS और CF2 और N2O सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम फ्लोराइड वगैरह जो है ये स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, या उसका एज लेंथ पूछा जा सकता है, ठीक है ना, या रेडियस रेशियो पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो इन सबको आप लोग बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग आइएगा, आज हम इसको ख़त्म ही कर देते हैं। देखो यहाँ पर 0.225 से ग्रेटर देन R प्लस और R माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक, ये जो हो जाएगा हमारे पास 4.4, ठीक है ना, हालांकि इसके बाद नहीं भी पढ़ते तो चलता है, ठीक है ना, हालांकि लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दे दिया है आपके पास, ठीक। तो देखो अब की बार इससे कम और इससे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तो देखिए ना ध्यान से, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर होने क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक बात बताओ, ये एक कॉन्टेक्ट बढ़ेगा मतलब ख़त्म हो जाएगा कि बढ़ेगा, मतलब क्या करेगा, मतलब कम जाएगा कि बढ़ जाएगा। अरे भाई ये तो इससे बढ़ते जा रहा है, R प्लस है, मतलब R प्लस की वैल्यू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए R प्लस की वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कॉन्टेक्ट था वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। अब अगर हमें एज लेंथ निकालना होगा तो उसे हम R प्लस R माइनस के टर्म में निकाल सकते हैं, यस या नो। मतलब एक और पॉइंट समझिएगा सभी लोग, कि जो कैटायन प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज एट कहाँ पर, इज एट डिस्टेंस ऑफ कितना, रूट 3/4A, ठीक है ना, किसके फॉर्म में, तो फॉर्म द कॉर्नर एंड टचिंग, कहाँ कहाँ, अरे टचिंग कहाँ पर,
कॉर्नर पे, कौन सा? अनायन, ठीक है ना। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो चलो मैं पहले इसको समझाता हूँ, मतलब पहले लिख देता हूँ फिर पॉइंट को आप लोगों को क्लियर कराता हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो ओनली टच करेगा, ओनली सी ए कॉन्टेक्ट विल बी देयर, ठीक है ना, कैसा है? विल बी देयर, ठीक। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, मैं जो एक पॉइंट लिख रहा हूँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि केटायन जो भी बोला हूँ, केटायन प्रेजेंट इन टेट्रा हेड्रल वॉइड्स एट अ डिस्टेंस कितना ऑफ रूट थ्री अपॉन फोर ए डिस्टेंस, ठीक है ना, फ्रॉम द कॉर्नर। एंड देखो बात समझिएगा, यही है आपके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम, यानी फ्रॉम द कहां पर है? कॉर्नर, ठीक है ना, एंड टचिंग अनायन एट कॉर्नर, यानी एंड टचिंग अनायन एट कॉर्नर, कैसा जाएगा? टचिंग अनायन एट कॉर्नर। सो तो मुझे बताइए रेडियस कैसा हो जाएगा आपके पास, ठीक है। टेट्राहेड्रल की बात बता रहा है, तो टेट्राहेड्रल का आपको याद भी है कि भूल गए हो? आप लोग देखेंगे तीनों में, मतलब तीनों ही टेट्राहेड्रल में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल में जा रहे हैं तो आइडियल कभी भी होगा या नहीं होगा? तो मतलब टेट्राहेड्रल कभी भी आइडियल नहीं होगा, बात समझ में आ रही ना? यस या नो? अरे मैं बोला हूँ आयनिक कंपाउंड कभी भी आइडियल वॉइड्स में जा रहा होगा या नहीं? तो नहीं जा सकता है, बात समझ में आ रही है ना? क्यों? क्योंकि बात समझिए, नहीं जा सकता क्योंकि वो हमेशा एक्सपेंडेंट में ही जाता है, बात समझ में आ रही ना? एक्सपेंडेड में जाता है, नॉट कि आइडियल के अंदर जाता है, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। तो आप लोग यहाँ से सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर लिख सकते हो रूट थ्री बाई फोर ए इजिकल टू आर प्लस माइनस आर, इतना है, ठीक। तो ये की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, ए इजिकल टू रूट थ्री, नहीं रूट थ्री कहाँ से हो जाएगा, फोर आर प्लस और आर माइनस अपॉन रूट थ्री हो जाए, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप लोग किसी का भी एज लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा किसका किसका, मतलब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर जेड एन एस कैल्शियम फ्लोराइड या सोडियम ऑक्साइड, इन तीनों का आप लोग क्या निकाल सकते हो, इसका मतलब लेंथ पूछा जाए तो आराम से इस फॉर्मूला का यूज करके आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, दो बचा हुआ है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए फास्ट, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। चलिए तो हम लोग फिर से इसको मिटा देते हैं, लंबा लेक्चर हो रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। हालांकि रेडियस रेशियो ये 100% यहाँ पे ख़त्म हो गया और काफ़ी हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए, ठीक है ना। आप लोग इसी तरह से अच्छे बुक्स बनाते रहिए, लाइक एन अवस्थी, ठीक है, या लगे तो आप लोग थोड़ा सा सिंगेज वगैरह को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अभी मैं डिस्कशन करने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पाएंगे, एक एक क्लास लेंगे एनसीईआरटी के लिए, और हाँ हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चंस है सबका सॉल्यूशन एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन विद थ्योरी जितना है चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, कितना नंबर था हमारे पास, 5 पॉइंट, तो 6 पॉइंट की बात है यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R प्लस और R माइनस इजिकल टू पॉइंट
4 1 4, इसका मतलब हो गया आइडियल 4 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, 4.414 के लिए। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सी ए एंड ए ए दोनों हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ए ए दोनों हो जाएगा। ठीक, अगर ए हो जाएगा तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, ये एफ सी सी के लिए बात करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से, मतलब कितना नंबर हमारे पास, 6 नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसकी बात करेंगे, ये एफ सी सी को सिर्फ और सिर्फ बताता है। हाँ, यहाँ पर अगर बात कीजिएगा तो इसका टू रूट किसका होता है, फेस डायगोनल का होता है कि किसी और का होता है, बता सकते हो यहाँ पर कि नहीं बता सकते हो, तो ये क्या होता है आपके पास, टू रूट ए, तो फेस डायगोनल का हो गया, सबको बताया गया था ना, फेस डायगोनल रूट टू ए। तो अगर फेस डायगोनल की बात कर, देखो ना यार, फेस आप लोग नहीं समझ सकते हो क्या, फेस सेंटर्ड क्यूब है, ठीक है ना, तो फेस सेंटर्ड क्यूब के लिए अगर बात कर रहे हैं तो रूट टू ए आपको क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो ऑलरेडी आपको रेशियो निकालने के लिए निकाल के दिया रहेगा, ठीक है ना, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, रूट टू ए, और आपको ज़्यादातर ना तीन पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि इसकी बहुत सारी स्टेप्स है तो मैं किसी तरह बता देता हूँ। ठीक, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 4R माइनस हो गया, ठीक है ना, फेस डायगोनल पे, तो रूट टू और इसका कितना हो जाएगा, इसलिए इतना ही हो जाएगा ना, रूट टू ए। ठीक, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हो आप लोग, ए की वैल्यू निकाल सकते हो, तो जब यहाँ से ए निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बाई रूट टू, कितना आर, लेकिन आप लोग समझते हो ना, इसको थोड़ा तोड़ तार कीजिएगा, तो देखो 2 into root 2 upon root 2 करोगे तो root 2 से root root कटेगा, r माइनस मतलब 2 root 2 r माइनस, ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हो ना, कोई दिक्कत, हाँ मार के ठीक करेंगे, अरे अगर दिक्कत की बात किया तो, मतलब ये देखो, ये दोनों किसके लिए बात कर रहे हैं, दोनों के लिए अगर आइडियल हो जाएगा तो दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या जाएगा, कैसा हो जाएगा आइडियल, तो दोनों का वैल्यू कैसा हो जाएगा, सेम, इससे पहले भी आपने यही पढ़ा था, उसका भी वैल्यू क्या आया था, यही पढ़ा था सी ए के लिए, ठीक है ना, एफ सी सी के लिए पढ़े थे, ठीक है ना, अगर आप लोग इससे पहले जो पॉइंट पढ़े थे अगर याद होगा तो आप बता भी सकते हो, लेकिन पढ़ोगे तब तो पढ़ता कौन है, ठीक है ना, तो मैं बताता हूँ, फोर्थ पॉइंट जो आपने टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ा था, ठीक है, तो चलिए सेवेंथ नंबर पॉइंट को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, सेवेंथ नंबर पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉन्टेक्ट होगा आप लोग बता सकते हो, जैसे पहले बात तो देखिए, 414 से ज़्यादा r प्लस और r माइनस, फिर आपके पास हो जाएगा 0.732, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सी ए होगा। ठीक, क्यों होगा, तो मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, पहले केटाइन प्रेजेंट एट एज सेंटर एंड अनायन प्रेजेंट एट कॉर्नर अलोंग एनी एज विल टच ईच अदर, जैसे मान लो एक ए दिया हुआ है, तो देखो मतलब मैं सीधे ले रहा हूँ, ठीक, तो इसका छोटा कॉर्नर ये हो जाएगा, छोटा सा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक, एक ए हो गया और इसका सेंटर पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपके पास ए आर, और ये आपके पास कैसा हो गया, आर हो गया, ठीक, और इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, एज लेंथ ए दिया हुआ है, यस या नो, अगर ये दिया हुआ है तो आप इसका निकाल सकते हो वैल्यू, ए की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो ना, ठीक है, तो मुझे निकालने की ज़रूरत है क्या, आप नहीं निकाल सकते हो। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि एक कितना सेवन नंबर है, एट नंबर, कि आर प्लस और आर माइनस अगर 0.732, तो कैसा हो जाएगा आइडियल, आइडियल फोर किसके लिए हो जाएगा, क्यूबिकल, ठीक है, क्यूबिकल हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सी ए एंड
ए ए कॉन्टेक्ट दोनों होगा, ठीक है ना, बोथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सा क्यूबिकल के लिए तो आपको पता है कि कितना डिस्टेंस होता है, तो 2r क्यूबिकल क्या होता है, यही तो होता है ना आपके पास, ठीक है ना। तो फिर इसके जस्ट ऊपर से भी होता है एक, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये ए ए, फिर ए ए ए, तो इसको इससे, इसको इससे, इसको चलो बना लेना आप लोग, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2r माइनस, आप निकाल सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट पॉइंट मैं बता ही देता हूँ, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, 732 से बड़ा r प्लस और r माइनस, 1 से छोटा, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल सी बात कर सकते हो, BD मतलब BD बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहा हूँ, BC बोलना चाहिए था, ठीक है ना, या बॉडी डायगोनल की बात कीजिए। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि √3a कैसा है, बॉडी डायगोनल, डायगोनल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, √3a और r प्लस, तो बॉडी डायगोनल में क्या हो जाएगा, देखो ना ऐसे इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझिएगा, r प्लस 2r फिर r प्लस हो जाएगा, यही हो जाएगा ना रे, कोई दिक्कत है क्या। देख r प्लस, ठीक है ना, ऊपर से बीच में 2r, मतलब यहाँ पर ये दे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये जो आपके पास हो गया कॉर्नर, फिर कैसा हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड, BC मतलब बॉडी सेंटर्ड, यानी यहाँ पर बोल सकता हूँ जो 2r माइनस दिया हुआ है, एक ऐसा दिया हुआ है हमारे पास बॉडी सेंटर फिर r, तो एक ऐसा हो जाएगा आपके पास कॉर्नर, मैंने लिख दिया ताकि इसमें किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट होता है सी और सी, सिर्फ और सिर्फ ए, देखो ध्यान से कि अगर एक सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे, ठीक है ना, देखो यहाँ पर, तो ये तो बताओ यहाँ पे, बात समझिए, तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ता है, किसकी, बीच वाले का बढ़ता है, तो दोनों का कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, बात समझ आ रही ना, दोनों का कॉन्टेक्ट बढ़ेगा। तो हालांकि यहाँ पर देखिए ना, तो ये क्या जो है आपके पास, बीच में सी है और ए और ए, तो सिर्फ कौन सा कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, सी ए बनेगा। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है, मान लो कि बॉडी सेंटर आपने लिया, मतलब ऐसे लिया, ठीक, तो बीच में तो कैटायन है क्योंकि वाइड के रूप में हुआ है ना बीच में, तो कैसा हो गया हुआ है, ये हो गया, ठीक। तो देखो इस तरह से हो गया, आपको कोई दिक्कत, चलिए, तो यहाँ पर सी ए कॉर्नर पे 9, वहाँ पर भी 9 और ए आ गया, ठीक, कोई दिक्कत, यस या नो। तो यहाँ पर बताओ ए की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पर पहले तो देखो 4r हो जाएगा, यहाँ पर √3 तो 4r माइनस, ठीक, तो इसको ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताइए, थोड़ा फास्ट लिखा कीजिए आप लोग, ऐसे लिखोगे तो नहीं चल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर ए वैल्यू आपके पास गिवेन है, मतलब √3 ए बराबर कितना दे दिया हुआ आपके पास, r प्लस 2r माइनस फिर r माइनस, ठीक, तो ए की वैल्यू आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप लोग निकाल लेना √3 r प्लस और r माइनस, ठीक है ना। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन जो तीसरा पॉइंट तक मैंने बताया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, हालांकि क्वेश्चंस करवा दिया था इसके ऊपर, ठीक है ना। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, थोड़ी सी उसके अंदर स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग पॉइंट पे आ जाएगा डिफेक्ट, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।